अच्छा है। अमरीका को तो अमरीका दे साला सानू गाली नहीं निकाल रही अमरीका सानू टमाटर हम ले भी इंडिया से रहे प्याज इंडिया से ले रहे खाने के बाद फिर भी हम उन्हीं को गालियां दे दारी है कोई ना को मत पूछ रही किसी नु ठीक है किंदा फुदू लगा वो लाई जा रही है किसी दा नहीं लगा ठीक है वो छड़का दे जलील हो रहा है आए दिन वाल्टन वाले चलान कर रहे ने ठीक है कोई कागज ना होवन चलान कर देंदे 1000 दा 500 दा चलान कर देंदे ने कोई पुछन दसन वाला नहीं आया चंगे भले शबाज शरीफ की घूमत सी ठीक है तो खुशहाली सी तो लिहाजा जो इमरान खान आया तो कोई हल नहीं हो रहा ठीक है तो बाकी ये गया तो शबाज शरीफ ठीक सी। गाइस अभी मैंने कुछ बोला नहीं इन्हें मैंने ना कुछ इनसे पूछा इन्होंने अपने हालात ऑटोमेटिकली खुद सब कुछ बता दिया। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपसे शबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं आऊँगा महंगाई ख़त्म करूँगा पेट्रोल सस्ता करूँगा डॉलर को नीचे लेके आऊँगा चीज़ें सस्ती करूँगा स्टोर्स में आपको चीज़ें घर की एशिया सस्ती मिलेंगी क्या आपको वो चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? नहीं कुछ भी नहीं मिल रहा अभी तो कुछ नहीं मिल रहा ठीक है बस गल्लां बातें नहीं सुनाई जा रहे हैं ठीक है सब कुछ आ भी खाई जा रहे हैं सानू तो कुछ नहीं दे रहा ठीक है। वैसे जो भी है ना शबाज शरीफ तो बहुत अच्छा सा इमरान खान तो जो भी आया 4 साल इन्हें कुछ भी नहीं किया पेट्रोल इन्हें वधाया महंगाई इन्हें वधाई है उस बाद आटा कड़ा और नहीं मिलया शबाज शरीफ तो फिर भी ये है ना पता नहीं कितने आटा दिया हर एक जी को 3-3 तोड़े 4-4 तोड़े मुझे भी मिला 3 तोड़े ठीक है तो माशाल्लाह हले वो आटा मेरा ख़त्म नहीं होया तो बाकी शबाज शरीफ बहुत अच्छे ने तो बाकी इमरान खान तो फारग है ठीक है। बिलावल भुट्टो साहब इंडिया गया होया इंडिया जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए इंडिया गए उसकी बिस्ती होगी इमरान खान साहब ने भी बिस्ती की और सब पूरे पाकिस्तान उसकी बिस्ती कर रहा आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो अच्छे फॉरेन मिनिस्टर हैं? नहीं फिर किसको होना चाहिए? शबाज शरीफ को। शबाज शरीफ को होना चाहिए। शबाज शरीफ तो प्राइम मिनिस्टर है ना शबाज शरीफ तो वजीर आजम है। वजीर आजम है ना तो मतलब हुकूमत उन्होंने ही आनी चाहिए उनकी मतलब के बिलावल भुट्टो की नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। बिलावल भुट्टो को आप मानते हैं फॉरेन मिनिस्टर या नहीं? नहीं नहीं मानते। नहीं मानते। आपको पता है कि अगर मैं बात करूं इंडिया की तो इंडिया इस टाइम तरक्की कर रहा पाकिस्तान ज्यादा इस चीज को मानते हो आप? वो इंडिया तो है तरक्की साड़ी भी करवा रहे हैं अपनी भी कर रहे हैं क्योंकि सानू प्याज केड़ा है वो सस्ता मिल रहा है इंडिया चो टमाटर सस्ते मिल रहे हैं ठीक है हर शह सानू सस्ती मिल रही पी सी जो तो शबाज श्री और इमरान खान आया कोई शह नहीं सस्ती मिली रमज़ान के केला केड़ा गरीब बंदे ने रोज़ा रखा सी ठीक है केला किसी मिला ही नहीं रहा हाले भी केला केड़ा ना 250-300 रुपये किलो दर्जन मिल रहा है ठीक है कोई महंगाई कम ही नहीं आ रही। वैसे जो भी हालात ने शबाज शरीफ आना है इंशाल्लाह तो महंगाई कम होगी सब कुछ होएगा। मतलब कि शबाज शरीफ साहब को आप अगले साल भी आप देख रहे हैं? हाँ जी इंशाल्लाह शबाज शरीफ आएगा वो ही हुकूमत करेगा। शबाज शरीफ आपको क्यों अच्छे लगते हैं? शबाज शरीफ की कौन सी बात आपको बेहतर लगती है? शबाज शरीफ की बेहतर ये लगती है क्योंकि 58 रुपये 40 पैसे तेल था ठीक है उस बाद सवारी अच्छा खाता किराया भी दे देती सी ठीक तो उनकी हुकूमत है ना अभी क्यों महंगाई? वो क्यों एग्रीमेंट होया ना शबाज शरीफ आंदा इमरान खान का इसके साथ ये चाइना के साथ कर्जा लेके एग्रीमेंट किया पेट्रोल का किया ठीक है वो इस वजह तो ही आ रहा है ना सारा कुछ। सर आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हुआ? एमएसएस होया तो है तो बाकी जो भी है बाकी शबाज शरीफ ठीक है। शबाज शरीफ अगर फैक्ट्स के मुताबिक देखें तो शबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो मुल्क से बाहर गए हैं शबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदर। आपको नहीं लगता कि आप अगर थोड़ी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि महंगाई के टाइम जो शुरू हुआ वो नवाज शरीफ और शबाज शरीफ के दौर में हुआ आप इस चीज़ को मानते हैं या नहीं? फिर ओ ठीक है आपकी बात ठीक है मानते हैं तो महंगाई हो ही है ठीक है बाकी हुकूमत सारा कुछ इमरान खान के खाते से ना इमरान खान ने गंदम केड़ी बाहर भेज दी आटा इधर शार्ट हो गया ठीक है वही आटा केड़े खातदार से सारे आटा महंगा देने लग पाया ठीक है चीनी घ्यो सब कुछ उन्हें बाहर भेज दिता उस बाद इन्हें दोबारा खरीदया ठीक है तो महंगाई तो होनी सोई। बिल्कुल सही। तो लास्ट पे क्या कहते हो कि हमारी सुलह इंडिया के साथ होनी चाहिए या नहीं दोस्ती होनी चाहिए या नहीं? फिर हालत नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। गरदार है ने ठीक है इन्होंने को पता लगता नहीं रहा जो तो मर्जी सानू ना नहीं ओवरटेक कर सकते हैं अज तक साडा नान कश्मीर च डिजे ठीक है साढ़े ना ज्यादतियां हो रही ने इधर भी हो रही उस बाद पिंडे पिछे कश्मीर भी हो रही है। इंडिया इस टाइम दुनिया तो सब तो ज़्यादा ग्रो कर रहा सब तो ज़्यादा तरक्की कर दिया पाया ये बारे की कहना चाहूँ? वो बाकी हालात के सामने वाला साडा पाकिस्तान भी तरक्की कर ला अगर बेईमानी ना हो साड़ी हुकूमत बेईमानी ना करे उस बंद का तबका है वो भी ना बेईमानी करे तो असं भी तरक्की कर सकते हैं ठीक है उन्होंने हुकूमत बेईमानी नहीं करती उन्होंने आवाम का भी एक है साड़ी आवाम का नहीं एक है ठीक है कोई बेईमानी कर रहा तो आता ठीक है इन लगा रहा तो मैं आपका काम शुरू करा ठीक है। मतलब की कहना चाहोगे अगर इंडिया ना साढ़े ट्रेड हो जाती है चीज़ें लेना देना हो जाता है तो असं भी तो तरक्की कर सकते हैं ना कि करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए है वो तो आपकी बात ठीक है करनी चाहिए तरक्की ठीक है इंडिया अगर सानू इंडिया वाले दे तो रहा था प्याज दे रहा ही टमाटर दे रहा ही सब कुछ दे रहा है।
ठीक है। पता हाले भी ऐसी इंडिया को ले रहे हैं टमाटर। हाँ तां तो 40 रुपए सस्ते होया है, 40 रुपए, 40 रुपए प्याज होया, 40 रुपए टमाटर होया है। दुबई दे रास्ते ले रहे हैं। दुबई पहले दुबई जाता, दुबई तो फिर साढ़े को जाता इंडिया का, खा इंडिया दे ही रहे हैं, फिर भी असं गालां कढ़ रहे हैं, फिर की कहना चाहोगे ये शहबाज शरीफ को? नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, टमाटर हम ले भी इंडिया से रहे, प्याज इंडिया से ले रहे, खाने के बाद फिर भी हम उन्हीं को गालियां दे रहे हैं। गाली तो नहीं निकाली इंडिया को, वैसे मैं कह रहा हूँ तो दोस्ती हो भी जावे तो अच्छी बात है, ठीक है। वैसे हाँ तो वैसे क्या उमें है तो गैर मजहब ही है ना, ठीक है। तो बाकी जो साढ़े हालात इंडिया मजहब तो चाइना भी आप गैर मजहब चाइना कभी कोई नहीं कह, चाइना तो है, चाइना गैर मजहब है, जो तो करोना आया ठीक है, करोना के चाइना मुसलमान भी हो गए ने, उस बाद खासी खास मुसलमान हो गए ने, इंडिया च भी बहुत मुसलमान हो गए ने, ठीक है। इंडिया भी अच्छा है, चाइना भी अच्छा है, अमरीका को तो अमरीका तो साल सानू नहीं निकाल अमरीका तो सानू लई खलोता है। हाँ यार अमेरिका तेन पता सब तो ज्यादा सब तो ज्यादा जी इमदाद देता है वो अमेरिका देता है, हुकूमत नहीं दे रहा ना सानू तो नहीं ना मिल रही ना, आवाम नु देता है, हुकूमत खा जाती है आवाम दे, आवाम दे की कसूर है, अमेरिका दे की कसूर नहीं, अमेरिका का तो ठीक है कसूर है, डालर वो सस्ता करन तो चलो साड़ी महंगाई भी पाकिस्तान चु सस्ती होवे, क्योंकि डालर तो सस्ता नहीं करते। जो शहबाज शरीफ पिछली बार छोड़ के गया तकरीबन 119 रुपये डालर से, 300-350 डालर चला गया, महंगाई तो कम हो, मतलब महंगाई तो कम ही नहीं ना हो रही, महंगाई तो दिनों दिन वधी जा रही, वधी जा रही है। अगो दुकानदार को चले जाइए, नैक्सट टाइम जाइए 5 मिनटों बाद जाइए, दुकानदार 5-10 रुपए की शायद दे रहा है, ठीक है। उस उन्होंने कोई पुछन दसन वाली नहीं है, ठीक है। दुकानदार नु कही दे यार हले हूँ तो 5 रुपए की लै गया, नहीं नहीं भाई रेट वध गया, मैं मार्केट चो थैला लैन गया और काटा मगर 800 रुपया वध्या पे, कोई एक्शन नहीं लै रही हुकूमत, लिहाजा मेरी दरखास्त है, ठीक है। माड़े बंदे रक्षा चलाई दे सारी दिहाड़ी, ठीक है, तो मेरी दरखास्त है तो कहना इन गौर करो और उस तो बाद गरीब बंदे का एहसास करो। शहबाज शरीफ ने वेखो मेट्रो चलाई, ओरन ट्रेन चलाई, उस तो बाद स्पीटो चलाई, ठीक है। गजू मते तो 20 रुपये लैके शदरे लोग जाते पे ने, असी गजू मते तो किराया लेई दा शदरे का 1000 रुपया, ठीक है, 1000 रुपया किराया लेई दा, सवारी दे भी देंदी है नहीं भी दे देंदी, सवारी जांदी 2-3 घंटे बाद, ठीक है। तो 20-25 मिनटा जो गजू मते से शदरे मेट्रो चली जाती है। शहबाज शरीफ ने अच्छे काम किए ने, इमरान खान आया है और ना गली महल के सड़कें टूटियां और रोड भी टूटे हैं और गटर भी बांध दे, सब कुछ बांध दे, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। लिहाजा दरखास्त है मेरी से शहबाज शरीफ ही वापस आवे इंशाल्लाह, हमारी को बहुत शुक्रिया सर, शहबाज शरीफ के साथ हैं इंशाल्लाह, साथ ही रहेंगे जरूर सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का सर, नाम आपका? इमरान। आपका नाम? मुराद अली। क्या करते हैं आप? मैं सर मैकेनिक हूँ। आप क्या करते हैं? रिक्शा ड्राइवर। रिक्शा ड्राइवर है, क्या सर चल रहा, गुजारा हो रहा? चल रहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका गुजारा हो रहा? शुक्र अल्लाह का। सही, कैसे हालात है, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे, महंगाई ज़्यादा या कम है? महंगाई मैं आपको बता रहा, ये बंदा, इसको मैंने एक बंदे को इधर लेके आना था तो मैंने इसको ना रिक्शे वाले को फ़ोन किया, इसने मेरी बात की है, ये सेवन अप से यहाँ तक आया पैनोरामा में 350 रुपये, ये मुझसे 500 रुपये पहले कह रहा था, फिर 350, हालांकि यहाँ का पहले हम जब आते थे तो 150 रुपया मैक्सिमम इतना ही बनता था, 120 या 150 बनता था, लेकिन अब जब इसने आज इसने जब किराया मांगा तो हमारे पाँव के नीचे जमीन निकल गई कि यार इतनी इतना तो नहीं होना, पेट्रोल भी पेट्रोल महंगा है, अब इसको मैं कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि ये मे बी हमारी तरह एक मजदूर आदमी है, ठीक है। तो मैंने इसको बड़ी रिक्वेस्ट की तो ये भी बंदा मजबूर था, ये नहीं आ रहा था, इसके पहले एक रक्षे वाला था वो तो आ ही नहीं रहा था ना, वो तो कहते 500 रुपये के नीचे नहीं हमने आना, तो ये तो इसकी मेहरबानी है कि इसने ताउन किया और ये बंदे को लेके इधर तक पहुंचा, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या हमारे साथ हो रहा है। सर पाकिस्तान हमने क्यों अलग किया था, इंडिया से हम क्यों अलग हुए थे, इसलिए हुए थे कि ना कि हम तरक्की याफ्ता बन सके, ज़्यादा तरक्की कर सके, आज इंडिया देखिए कहाँ चला गया, हमने तरक्की कर ली जी, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो हुकूमत जो है ना, वो जितने भी हुक्मरान हैं वो अपनी आवाम के साथ तआमुल करते हैं, हमारे साथ तआमुल नहीं है। अब देखिए यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, हम तो इस चीज़ों में फंसे हुए हैं भाईजान, हमें आगे फ्यूचर क्या करना है, फ्यूचर तो हमारा है ही नहीं, हम तो इन चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे। इलेक्शन आते हैं तो क्या होता है, हमें तो कुछ नहीं, मजबूर करके हमें वोट ले लेते, अगर हम नहीं भी देते तब भी हमारा वोट कास्ट हो जाता है, वो हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे, हमारे महंगाई, हम तरक्की तो बात छोड़े, महंगाई पर ही काबू नहीं आ रहा, नहीं कर पा रहे हमारे पॉलिटिशियन, हमारे पॉलिटिशियन क्या कर क्या रहे हैं, इनका काम नहीं है कि मुल्क को ठीक करना, आवाम को देखना, ये कर क्या रहे हैं सर? वो जब तक आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं उनके होंगे वो हमारे साथ तामू नहीं कर सकते, वो पहले अपनी लड़ाइयाँ तो लड़ लें,
बाद में हमारी तरफ वो आएंगे, अदरवाइज वो हमारी तरफ मतवजो नहीं हो सकते जब तक वो एक गैदरिंग में नहीं है, एक टेबल पे नहीं आएंगे। अपने वो पहले अपने जो उनकी है मसाइल वो हल नहीं करेंगे तो हमारे मसाइल तो भी बड़ी दूर हैं, हम तो बहुत दूर हैं, ये समझे हमारे एक सदी पीछे हम उनसे। आपको पता अगर एक आज लिस्ट आई है, उस लिस्ट के मुताबिक इंडिया वर्ल्ड की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ जीडीपी के लिहाज से पाकिस्तान पूरे के जीडीपी पूरे 1 बिलियन भी नहीं है, हमारे 350 के करीब है, इंडिया के 450 ट्रिलियन डॉलर की उनकी इकानमी है। इतना बड़ा मुल्क हो गया वो इंडिया, इतनी तरक्की कर ली उसने सर, हर चीज़ तो वो खुद बना रहा, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं सर? हमारे पास स्पोर्ट नहीं है, हमारे पास स्पोर्ट ही नहीं किस चीज़ की। यहाँ पे अगर कोई बच्चा जो है वो थोड़ा सा कामयाब अपने आप को, ये देखे एक बच्चे ने ट्रेन बनाई या कोई ऐसी मोटरसाइकिल इजाद हुई है, वो बाद में बंदा मिलता ही नहीं है। एक बंदे ने पानी पे मोटरसाइकिल चला दी, वो आज तक बंदा मुझे मिले नहीं दोबारा, वो कहाँ गया? क्योंकि उसको स्पोर्ट ही नहीं है। वो तुमने ये क्या कर दिया, होंडा वाले उसको पकड़ लेंगे, ओए तुम ये क्या कर रहे हो, हमारा नुकसान कर रहे हो। कोई जो है यामा वाले वो आ जाएंगे, हमारा नुकसान कर रहे हो यार। तो कोई भी हमें अपने मुल्क के लोग ही तरक्की नहीं देते तो हम किसी को क्यों कहें? हमारे तो अपनी टांगे खींचने वाले हैं तो हम किसी से कैसे कर सकते हैं? सर क्या वजूहत है आप मुझे बताइएगा कि चाइना को निकाल कर हमारे हमसायों में से किसके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं हमारे हमसाए मुल्कों में से? सर अगर देखा जाए तो हम सबको अच्छा कह सकते हैं। नहीं, हमारे ताल्लुकात कौन से मुल्क हम साए हमसाया तो फिलहाल तो चाइना अच्छा हमारे लिए। क्या हमारे ताल्लुकात ईरान के साथ अच्छे हैं? ईरान के साथ भी अच्छे हैं, अफगानिस्तान के साथ अच्छे हैं, इंडिया के साथ वो भी अच्छे हो सकते हैं अगर ये हमारे वहाँ या हुक्मरान चाहें तो। सर हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे नहीं है, हमारे ताल्लुकात ईरान के साथ भी अच्छे नहीं है, हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ भी अच्छे नहीं है, क्यों नहीं है? वो इसलिए कि हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, वो आपको भी पता है। कितनी बड़ी कुल्हाड़ी है ये, इतनी इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है सर, आज उसके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? दुश्मनी कब तक करेंगे? एक उनका मरेगा एक हमारा मरेगा, इससे क्या फायदा? चलते ही रहना सिलसिला भाईजान, ये नहीं खत्म होना, हमारी नस्लें खत्म हो जानी है, ये सिलसिले नहीं खत्म हो रहे जब तक ये टेबल पे नहीं आते। मैंने आपको पहले कहा जब तक हमारे एक हुक्मरान एक टेबल पे नहीं आते तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर लद्दाख का मसला देखेंगे चाइना और इंडिया के दरमियान लद्दाख का मसला, लेकिन फिर भी वो चीज़ें खरीदो फरोख करना बंद नहीं कर रहे, कर रहे हैं हम, हमें मसला क्या है? लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंडिया कोशिश करता है कि हमसे ताल्लुकात बेहतर करने की, लेकिन हम नहीं करते उनके साथ, नहीं करना चाहते, क्या वजूहत है? आप कह रहे हैं हमें तो नहीं पता, हम तो वहाँ हैं, हमें क्या पता कि आगे क्या हो रहा है? हम तो अपने घर के चूल्हे जलाने पे चले गए हुए हैं, हम तो नहीं जानते ना ये चीज़, तो आप समझ, मीडिया आप हैं, आपको पता कि आगे क्या हो रहा है? हम तो उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे, हम तो बहुत दूर है। मैं आवाम को बताया नहीं जाता, आवाम को एजुकेट नहीं किया, आवाम तो ये एक ब्लाइंड है, आवाम को बताना ब्लाइंड है बिल्कुल ब्लाइंड है, उसको कुछ पता नहीं है। वो देखो हर बंदा अफरा तफरी में अपने चक्कर में पड़ा हुआ है कि मुझे बस रिस्क मिल जाए शाम को, वो रोटी के चक्कर में भाग रहा है, ये रोटी के चक्कर में भाग रहा है, वो है सब इसी चक्कर में बड़े हुए हैं। हमें तो सिर्फ उन्होंने आटा और चीनी का पीछे लगाया हुआ है, तो वो खुद बैठ कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हमें क्या पता है यार? सही बात है। ये मेन पॉइंट आप ये देखो कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है भाई, आगे क्या हो रहा है, वो हमारे हुक्मरान उनके साथ क्या ताल्लुकात बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें इतनी बड़ी स्ट्रेटजी है, कितना बड़ा जुल्म है, सिर्फ खाने और रोटी के पीछे लगाया हुआ है और तालीम तो है ही नहीं, एजुकेशन नहीं है, और उसके बाद जिंदगी के वसाइल तो बड़ी दूर की बात है ना सर, ट्रेन जहाज रोड ये तो बड़ी दूर की बात है, पहले रोटी पूरा करना मुश्किल होगा। मैं आपको बता रहा हूँ एक बंदे ने एमफिल किया हुआ है तो वो बंदा रेडी लगा रहा है या वो बर्गर की लगा रहा है, तो उसको देखो यार जॉब ही नहीं हमारे पास, उसके लेवल की जॉब ही नहीं है हमारे पास, तो हमारे मुल्क में कौन आएगा, कहाँ पे हमारी तरक्की? अगर कोई आ भी रहा तो पर्ची पहले लोगों के हाथ में है, ठीक है कि नहीं? हालांकि उसको स्टडी नहीं है उसके बाद, लेकिन पर्ची है और हमारे पास कुछ भी नहीं है भजन। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को? लास्ट में एक सवाल और पूछना चाहूँगा, अगर इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं तो फ़ायदा किसको है, अगर बंद करते हैं तो नुकसान किसको है? भजन लेन देन करते हैं तो फ़ायदा किसको है? लेन देन अगर करते भी हैं ना तो अपने मुल्क को डेवलप करें, वो किसी तरीके से करना चाहें तो करें, अगर उधर से हम कोई चीज़ बरामद करते हैं तो उसको देखें कि हमें उसकी सपोर्ट मिलती है, क्या उसका फ़ायदा हो रहा है। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, एक मेडिसिन जो पैनाडोल की गोली हम लेते हैं दूसरे किसी मुल्क से लेते हैं, वो फॉर एग्जांपल अगर हम वो इंडिया से लेते हैं तो 2 रुपये का पता पड़ता, अगर हम दूसरे किसी मुल्क से लेते हैं तो हमें 20 रुपये का पता पड़ता, बताएं सस्ता किधर है, फ़ायदा किधर है हमें? लेकिन ये भी देखें ना उसमें ये आ जाएगा कि हमारा उनके साथ ताल्लुकात नहीं है। अच्छा अभी भी ताल्लुक, अभी भी ले रहे हैं मेडिसिन डायरेक्ट इंडिया से नहीं ले रहे, दुबई के रास्ते से आ रहा है। भाईजान वही बता रहा हूँ, हमें तो नहीं पता ना, मैं आपको पहले एक चीज़ बताई, हम तो इस चक्कर में भाग रहे हैं, हमें तो क्या पता कि वो उनसे क्या लिया जा रहा है और क्या दिया जा रहा है।
हमें तो नहीं पता, बात तो इस चीज़ पे ख़त्म होती है, पता कि वहाँ हम उनको वहाँ से ले रहे हैं या क्या चीज़ हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं या क्या उनको एक्सपोर्ट करें, हमें नहीं पता। लेकिन ये आप आपको बता रहा हूँ, अगर डायरेक्टली लें, अगर रॉ मटेरियल इंडिया से भी आता मेडिसिन बनाने वाला, वो डायरेक्ट इंडिया से नहीं आता, दुबई जाता, दुबई के बाद पाकिस्तान आता। एक्चुअली मैं एक चीज़ को थोड़ा सा तस्वर में लाता हूँ, मैं ये दुआ करता हूँ परवरदिगार हमारा मुल्क श्रीलंका की तरफ ना जाए, हम ये दुआ करें कि हमारा मुल्क ऐसी हालात की तरफ ना जाए। उस तरह के हालात बन चुके हैं लेकिन हम ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रहे। यही कह रहा हूँ कि हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं परवरदिगार कि हमारे मुल्क को इन चीज़ों से बचा और हमें अपने इत्तेफाक और प्यार फैला फरमा, ठीक है, ताकि हम आगे चलना चाहते हैं तो ये हो कि हमारा मुल्क श्रीलंका की तरफ ना चला जाए, हम आगे तरक्की की तरफ जाएँ। अगर हमारे हुक्मरान जो वो चाहें तो ये सब कुछ कर सकते हैं, अगर वो कहें कि मुल्क को डेवलप करें तो हो जाएगा, अगर कहें कि यहाँ पे जॉब जो दुनिया से बाहर जाते हैं वो यहाँ पे जॉब्स करें, ठीक है कि नहीं। अब देखें जैसा भी है, एक बंदा उसको पता कि यहाँ पे हमें सैलरी 20,000-25,000 रुपये मिलती है, वो कहता है वो 40,000 रुपये के बाहर चला जाता है, वो यहाँ पे काम करेगा तो उस फ़ायदा पाकिस्तान को मिलेगा ना, वो तो फ़ायदा वो लोग ले रहे हैं। खबर बताऊँ, तकरीबन 8.5 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जा चुके हैं, नौजवान मेरी तरह के, इसकी तरह के नौजवान पाकिस्तान में कोई रहने नहीं चाहता। अब यकीन करें कि आप किसी से पूछो कहता है यार पाकिस्तान छोड़ो भाग जाओ, यकीन करें यहाँ से हर बंदा भागना चाह रहा है। हम तरक्की कैसे करेंगे, तरक्की कैसे करें, अपने मुल्क को डेवलप करें, यहाँ पे जॉब्स बनाएं, हर वसीला बनाएं, जैसे